सारे सत श्रीकाल थोड़े सारे साडे चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है। जिहड़ी साडी अज दी वड्डी अपडेट है ओह मुलाजमां नाल संबंधित है, तां सारे मुलाजम वीर साडी वीडियो नूं जरूर देखण। हाँ जी, मुलाजमां लई इस वक्त दी इक वड्डी अपडेट सामने आ रही है। हाँ जी, ठेका मुलाजम विच जिहड़े आउटसोर्स अते इनलिस्टमेंट वर्कर्स हैं उन्हां नूं रैगुलर करन नूं लेके भगवंत मान सरकार ने लिया एक वड्डा फैसला। इस दे बारे पूरी अपडेट तुहानूं दस्सांगे इस वीडियो दे विच। इस दे लई साडे नाल बने रहियो, वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो। उस तो पहले जे तुसीं साडे चैनल ते नवें हो तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो तां जो आने वाली हर जरूरी अपडेट तुहानूं समय सिर मिल सके। तो बिना देरी किते शुरू करते हैं साडी अज दी वड्डी अपडेट नाल। हाँ जी, जल सप्लाई अते सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर यूनियंस पंजाब वालों बीते दिनी मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा की कोठी अगे हुशियारपुर धरना दिता गया। दस दईए कि इस संबंधी प्रेस बयान जारी करदिया आगुआ ने कहा कि जल सप्लाई अते सैनिटेशन विभाग के इनलिस्टमेंट अते आउटसोर्स वर्कर रैगुलर करन समेत मंग पत्र च दर्ज मंगा दा हल करन लई जसस विभाग के मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा नाल सिविल सकत्र चंडीगढ़ विखे एक पैनल मीटिंग हुई सी, जिस तो बाद मोहाली विखे भी जथेबंदियां दे आगुआं नाल एक मीटिंग हुई सी, जिन्हां विच जथेबंदियां वल्लों रखियां गईयां मंगां ते विचार वटांदरा करन उपरंत मंगां नूं लागू करके चिट्ठी जारी करन दा भरोसा दिता गया सी, पर हाले तक जथेबंदी दी किसी भी मंग दा हल नहीं किया गया। उन्हां दा कहना है कि मंगां दा हल तां की करना सी, उल्टा 10 to 15 years तो कम करदे वर्करां वल्लों किते जा रहे काम दे तजर्बे नूं खत्म करन लई वर्कर विरोधी फैसले हैं जिहड़े ओह लए जा रहे हन। इस लई हुण वर्करस नूं मजबूर हो के अपने हक प्राप्त करन लई सड़कां ते निकल के संघर्ष करना पै रहा है। दस दईए कि जिहड़े भगवंत मान सरकार है उन्हां वल्लों हालांकि आख दिता गया सी कि आउटसोर्स अते इनलिस्टमेंट मुलाजम है जिहड़े वख वख विभागां च उन्हां नूं पक्का नहीं किया जा सकदा क्योंकि उन्हां दी क्वालिफिकेशन दे हिसाब नाल ओह पक्के नहीं हो सकते। इस दे नाल ही तुहानूं दस दईए कि हाल ही विच वित्त मंत्री जी ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ 30 September ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।